भाई हम सबसे पहले आ गए हैं चर्च की। 100 रुपये एडल्ट का टिकट है, 50 रुपये बच्चे का टिकट है और 10 रुपये के नीचे 10 साल के नीचे के बच्चे का टिकट फ्री है। हम बहुत गलत दिन आ गए हैं। पीछे भीड़ देख के जाने को मन नहीं कर रहा है, पर जाना तो पड़ेगा। 100 रुपये में फिर से जू की एंट्री करेंगे हम। 100 रुपये सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज मैं जाने वाला हूँ मैसूर। पहुँच जाएंगे 2.5 घंटे बता रहा है, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। और पैलेस घूमेंगे, जू घूमेंगे और भी एक दो आसपास क्या एरिया है मैसूर के अंदर कैसा है वो सब देखेंगे। तो चलिए चलते हैं मैसूर। आ गए हैं चर्च, क्योंकि आज संडे और आज कुछ स्पेशल डे होने की वजह से बहुत भीड़ पड़ रही है। पैलेस में जू में, तो जू वगैरह हम सब थोड़ी देर बाद जाएंगे, अभी सोचा पैलेस कर लेते हैं। चर्च बहुत शानदार है इसका। अगर आप देखना चाहते हैं कुछ यूरोपियन स्टाइल, बहुत खूबसूरत है देखने में, और अंदर भी जा सकते हैं आप, देख सकते हैं कैसा कुछ बना हुआ है, देखने में बहुत सुंदर है ये। और ये पीछे भी इनका कुछ बना हुआ है स्टेचूज वगैरह, और आप बहुत अच्छी जगह में बना हुआ, मौसम साथ दे रहा है यार, सबसे अच्छी बात। अब हम जाएंगे पैलेस और दिखाएंगे पैलेस कैसा है। सो गाइस, 100 रुपये एडल्ट का टिकट है, 50 रुपये बच्चे का टिकट है और 10 रुपये के नीचे 10 साल के नीचे के बच्चे का टिकट फ्री है। तो 100 रुपये में आप ये खूबसूरत महल देख सकते हैं, और रात को ये लाइटिंग होती है वो और शानदार लगता है। बहुत खूबसूरत है महल देखने में, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, कलरफुल है, पेंट है, और मौसम ने आज जो साथ दिया है हमारा। आज हम बहुत गलत दिन आ गए हैं। पीछे भीड़ देख के जाने को मन नहीं कर रहा है, पर जाना तो पड़ेगा। बहुत बहुत गंदी भीड़ है, देख रहे हैं अब कितना देर में हम देख पाएंगे, क्या क्या देख पाएंगे, क्या नहीं देख पाएंगे आगे चल के देखेंगे। बहुत गंदी भीड़ है आज, गांधी जयंती आ रही है कल, आज संडे है उसकी वजह से इतनी भीड़ है। आइए देख कितनी भीड़। Thank you.
ज़्यादा है ना। तो फाइनली बहुत हसल करने के बाद, बहुत मेहनत के बाद हम बाहर आ चुके हैं पैलेस से। बहुत भीड़ थी पर बहुत अच्छा बनाया हुआ है, अगर आप फुर्सत से आए तो देखने का मज़ा है। खूबसूरत बनाया हुआ है, बहुत मेंटेन किया हुआ, अच्छा। भीड़ होती है तो थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम है पर्सनली भीड़ बढ़ा के में, तो आई गेस गुड प्लेस रियली। 200 रुपए में फिर से जू की एंट्री करेंगे अब, 100 रुपए। ये लेपर्ड का है आई गेस, तभी बहुत भीड़ पड़ रही है यहाँ पे, देखते हैं क्या है। वाह शानदार है, बहुत क्लोज से आपको सारे एनिमल्स देखने को, बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। सो जू अगर आप मैसूर का प्लान कर रहे हैं तो जू ज़रूर आएँ, बहुत सारे एनिमल, अच्छा टाइम लेके आए, 3-4 घंटे शांति से देखें इनको, बहुत सारे हैं एनिमल्स। मैं दिखाता जाऊँगा जो जो अच्छा रहेगा वो दिखाऊँगा, सारे नहीं दिखा पाऊँगा। तो इसमें आपको शाम के टाइम पर लोयन आपको रोर करता हुआ भी सुनाई देगा, हमने टाइगर का सुना है, रिकॉर्डर है, अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको आवाज़ आ जाएगी, और लोयन का भी आता है, अभी मैं सुन रहा हूँ बहुत तेज रोर करता है। तो शाम के टाइम पे मज़ा आ जाता है एकदम देखने में, ज़बरदस्त है यार जो, बहुत एनिमल्स है अभी तक आगे, एलिफेंट है, जिराफ है, सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ का जिराफ, क्योंकि जिराफ और के देखने को नहीं मिलेगा आपको इंडिया के जूज में। तो ये जो है गोरिल्ला का केज है, इसके अंदर एक गोरिल्ला हुआ करता था, वो चिंपांजी है, चिंपांजी
वेट किया उसे पिंजरे में एंटर कर गए। पूरा ये चेन के अंदर कवर्ड है, वो जो गेट है वो चेन्ड है और ये सारे उड़ नहीं सकते हैं, इसलिए इनको बिठा रखा है यहाँ पे खुले में।
गुड मॉर्निंग। रात को मैं व्लॉग एंड करना मिस हो गया था, इसलिए अपनी मैसूर ट्रिप का मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ। थोड़ा सा हमें जाने में लगे कुछ 2.5 से 3 घंटे, आने में लगे, रात का टाइम था, ट्रैफिक कम था, और मतलब 2.5 घंटे फिर भी मान ही लो आप, कोई स्टॉप नहीं था रात को आते समय, जाते समय स्टॉप थे हमारे, तो आधे टाइम 2.5 घंटे लगे, 2.5 आवर्स। फ्यूल तो एवरेज के ऊपर डिपेंड करता है, मेरा I-20 से लगा है अराउंड 2500 रुपीज़ का फ्यूल लगा है, तो यह है। एक दिन में हम सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ घूम लिए हम, जैसे हम सबसे पहले गए मैसूर पैलेस जो कि डिसाइडेड था, पर गांधी जयंती होने की वजह से बहुत ट्रैफिक था, बहुत भीड़ थी पैलेस के अंदर, तो हमने थोड़ा उसको डिले किया। हम पहले चले गए चर्च, चर्च इज़ रियली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बनाया हुआ है बाहर से, और उसके बाद हम थोड़ा मार्केट घूम लिए, शॉपिंग वॉपिंग कर ली, शॉपिंग के बाद हम लोग गए पैलेस, तब थोड़ा क्राउड डाउन हो गया था, जो स्कूल के बच्चे वगैरह थे वो निकल गए थे, पर बाहर क्राउड कम था, लाइन कम थी, पर अंदर बहुत गंदा क्राउड था क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है। पैलेस से हम फ्री हुए अराउंड 4 o'clock, हमने पैलेस का टिकट लिया 100 रुपीस, और फिर हम लोग गए ज़ू, ज़ू में भी 100 रुपीस टिकट है, गोल्फ कार का 200 रुपीस पर पर्सन। तो ज़ू में हमने वॉक किया जल्दी जल्दी से, क्योंकि 6 बजे बोल रहा था, 6:30 बंद हो जाता है, 6:30 तक क्लोज हो जाता है, तो हमने छोटे मोटे जानवर जो थे, जो मतलब हम कहीं भी देख सकते हैं डेली, दूसरे जूज में भी देख सकते हैं, तो वो हमने जल्दी जल्दी कवर कर लिया, और हमने लॉयन, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, ब्लैक पैंथर, ये सब कुछ है, जिराफ, रिनो, एलिफेंट, तो ये हमने आराम तसल्ली से देखा है घूमते हुए। अराउंड 2.8 किलोमीटर का स्ट्रेच है पूरा ज़ू, आपको घूमना है तो 2.8 किलोमीटर इज दी नंबर, बट आप कवर कर सकते हो इजीली घूम घूम के, तो आपको अच्छा बनाया हुआ है सारे, आपको शेड्स वगैरह भी हैं, मतलब जंगल है थोड़ा, तो पेड़ की छाया मिल जाती है आपको, इट्स गुड। तो पूरा ट्रिप अच्छा रहा, और फिर हम रात को रिटर्न आ गए थे, खाना वहीं से खा लिया था हमने मैसूर से, क्योंकि पता है ऑन द वे कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा हाईवे पे, अगर आपको हाईवे पे पेट्रोल भी डलवाना पड़ा तो आपको वो बोलते हैं सर्विस रोड पे आपको उतरना पड़ेगा, खाने के लिए भी आपको सर्विस रोड पे उतरना पड़ेगा, तो ये आप प्रिपेयर करके चलें, या तो आप खाना ले कर चलें, या आप सिटी से निकलें तब खाना खा लें, ताकि आपका जो टाइम है वो बच जाए हाईवे पर, वरना क्या होगा कि आप किसी भी सर्विस लेन को अगर आप पकड़ लेंगे तो 3 से 4 किलोमीटर आपको सर्विस लेन पे चलना पड़ेगा, वो आपका टाइम बहुत खाएगा। तो मैसूर से निकलते टाइम भी आप अगर रिफ्यूल करवाना चाहे, और बैंगलोर से या कहीं से भी आप निकल रहे, तो वो हाईवे पकड़ने से पहले आप खाना खा लीजिए, भाई कादम्बा रेस्टोरेंट करके है, कादम्बा ढाबा है, कादम्बा रेस्टोरेंट करके है, मेन एक्सप्रेस वे से पहले ही, बट लॉन्ग वीकेंड की वजह से वहाँ पर बहुत ट्रैफिक था तो हम खाना नहीं खा पाए, तो आई कैन नॉट रिव्यू अबाउट द टेस्ट एंड ऑल, बट दिखने में अच्छा लग रहा था, बहुत गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ पर, क्योंकि वही एक रेस्टोरेंट था जो बेंगलोर छोड़ते ही मैसूर हाईवे से पहले था, तो आप अगर ज़्यादा क्राउड नहीं है, आपकी गाड़ी पार्किंग आपको मिल गई है स्पेस, तो आप बेटर है कि आप वहीं खा लें और फिर निकल लें आप डायरेक्ट मैसूर के लिए, ताकि वह हाईवे ईजिली कवर हो जाएगा। तो ये है मेरा एक्सपीरियंस मैसूर का, ओवरऑल इट वॉज़ गुड। तो आप लोग भी अगर प्लान कर रहे हैं जाके आए, आपको कैसा लगा मैसूर ज़रूर मुझे कमेंट में आके बताएं। अगर और भी आपको कुछ डिटेल चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैंने मिस कर दी है, तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट्स, आई विल रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियो जानने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और जो मेरा लास्ट वाला वीडियो है उस पर इतना प्यार देने के लिए भी आपका बहुत बहुत थैंक यू, इसी तरह प्यार देते रहिए। So see you in next vlog. Bye bye.